आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट बॉडी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें अहमर नदीम को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और अब्दुलरहमान अली साहब को जो है तो वाइस प्रेसिडेंट, एजाज अहमद को जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती असलम साहब को जनरल सेक्रेटरी और ऐसे ही 11 लोगों का एक बॉडी है वो डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ ही आज के डिक्लेरेशन के बाद SDPI अब वो कंटिन्यूसली नांदेड़ का लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ के जितने भी जो आवाम के मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए जो है तो अपना पॉलिटिकली एजिटेशन और डेमोक्रेटिक वे से जो है तो आवाम के मुद्दों को उठाएंगे और आवाम को जो है तो आवाम के काम करने की कोशिश करेंगे। जी, आज नांदेड़ में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो है फॉर्मेशन हुआ है और उसके अंदर 11 लोग इलेक्शन के ज़रिए से जो है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है, जिसमें अहमर नदीम को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है। नांदेड़ में SDPI काफ़ी सालों से काम कर रही है, नांदेड़ की आवाम जानती है SDPI किस तरीके से काम करती है। आवाम की पार्टी है, लीडर्स की पार्टी नहीं है, बल्कि ये जो है आम लोगों को लीडर बनाने की एक पार्टी है, जो लोगों को अपने हकूक़ के लिए लीडरों के पास चक्कर मारना पड़ता है। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि हमारी मुल्क का हर आम आदमी लीडर बने, खुद का भी काम करे और आवाम का भी काम करे। इस मकसद से जो है पार्टी पूरे इंडिया में काम कर रही है, नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी। पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से पार्टी महाराष्ट्र में लो प्रोफाइल की गई थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से नांदेड़ महाराष्ट्र में पार्टी को जो है हाई प्रोफाइल किया गया। उसी के तहत जो तो नांदेड़ में भी हमने आज एक प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम में पार्टी के यानी डिस्ट्रिक्ट कमेटी को डिक्लेयर किया गया। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में नांदेड़ के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, ज़मीनी लेवल पर जाकर आवाम के मुद्दों के ऊपर हम लोग काम करेंगे और आने वाले जो इलेक्शन हैं उन इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके अंदर आवाम को जो तकालीफ का सामना है, आज हम देख रहे हैं नांदेड़ के जितने वार्ड हैं, आम लोगों को क्या परेशानी है, देगलूर नाके का इलाका ले लीजिए या पूरा नांदेड़ ले लीजिए, पूरे मसाइल के जो है अंबार लगे हुए हैं, पीने का पानी है, ड्रेनेज लाइन है, नालियां हैं, सड़कें हैं, लाइट है, हर किस्म के मसाइल जो है आवाम को दरपेश है। आज जो रूलिंग पार्टी है वो इन मसाइल के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ जो है अपने फ़ायदे के काम कर रही है। तो इंशाल्लाह SDPI नांदेड़ के अंदर आवाम के फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह काम करेंगी। मेरी नांदेड़ की आवाम से अपील है कि SDPI को वो सपोर्ट करें ताकि उनके जो मसाइल हैं वो मसाइल हल हो सकें। हाँ, SDPI जो है यानी लोकल लेवल पर जो है ज़मीनी सतह पर जो है काम करने वाली एक पार्टी है। हम लोग इलेक्शन तो लड़ते ही हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो हम लोग करते हैं, इसके साथ साथ एजिटेटिव पॉलिटिक्स, एहतजाजी सियासत हम लोग करते हैं कि जहाँ पर जो है कोई काम नहीं हो रहा है उसके लिए हम एहतजाज करेंगे, पानी है, लाइट है, नल है, ड्रेनेज है, इन मसाइल के लिए हम लोग लड़ेंगे। जहाँ पर हम इलेक्शन लड़कर जीत कर आ सकते हैं वहाँ पर भी हम काम करेंगे, जहाँ पर हम नहीं हैं वहाँ के लिए हम एहतजाज करके वहाँ के मसाइल को हल करने के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। लास्ट टाइम असल में मैंने बताया आपको, पार्टी को हमारी लो प्रोफाइल हमारे जिम्मेदारान की तरफ से, नेशनल कमेटी की तरफ से किया गया था, इसलिए हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाए। अब इंशाल्लाह लेकिन हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमारा मकसद जो है सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। आप एक बात को समझिए कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हम लोग इलेक्शन लड़ने के साथ साथ लोगों के, आवाम के मसाइल हल करने के लिए ये पार्टी बनाए। पार्टियाँ बहुत हैं ना इंडिया के अंदर, बहुत पार्टियाँ हैं, हमारी क्यों ज़रूरत पड़ी? हमारी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि लोगों को इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो उन मसाइल को हल करने के लिए SDPI को मैदान में आना पड़ा। हम लड़ेंगे, इलेक्शन चुन के आएंगे, उसके बाद काम करेंगे, नहीं चुन के आएंगे तो भी काम करेंगे। हमारे 10 सीट अगर चुन के आएंगे तो बाकी के जो 90 सीट रहेंगे यहाँ पर, वहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम जो हो तो इलेक्शन लड़ेंगे तो ही काम करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये औकाफ़ का जो मसला है ये सिर्फ नांदेड़ लोकल का नहीं है,
बल्कि ये पूरा नेशनल लेवल का इशू है जिसको हमारी पार्टी लेकर चल रही है, इसके ऊपर काम कर रही है। क्योंकि हम लोग जो तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों से मतलब नहीं कर पाए काम, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आइंदा जो वक्फ के जितने भी लैंड हैं जहाँ पर लोगों ने गैरकानूनी कब्ज़ा किया हुआ है, उनके लिए हम लोग एक मुहिम मतलब जो तो छेड़ेंगे और इंशाल्लाह वक्फ की ज़मीनात के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग जो तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे हम लोग, ब्रांचेस बनाएंगे और उसके बाद हमारी अपनी कैपेसिटी जहाँ पे मजबूत है बूथ लेवल पर, वहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह बिल्कुल इलेक्शन लड़ाएंगे और बिल्कुल हम जो है बहुत सारी जगह पर चुन के आने की भी उम्मीद हम लोग रखते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर SDPI को जो यानी कबूलियत मिलेगी, जो लोग कबूल करेंगे उसकी हमको इंशाल्लाह उम्मीद है आवाम से। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। मैं अखिल मिर्जा, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।